तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल को लैपटॉप में हमें यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो मोबाइल है ओनली फॉर चार्जिंग हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रूव करके और मोबाइल को लैपटॉप में कनेक्ट करके कम्प्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा जो लैपटॉप है तो हमें लैपटॉप को मोबाइल में यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो मोबाइल है ओनली फॉर चार्जिंग हो रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैं लाइव करके सॉल्व करके कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो मोबाइल है तो मोबाइल को हमें यूएसबी केबल से सबसे पहले लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। तो इस हमारा जो यूएसबी केबल है वही मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से मैंने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में केबल को कनेक्ट कर दिया है और इस केबल को मैं मोबाइल में लगा देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि इस तरह जो हमारा यूएसबी केबल है वही मैंने मोबाइल में लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा जो मोबाइल है यहाँ पर चार्जिंग हो रहा है, मोबाइल हमारा लैपटॉप में शो नहीं हो रहा है। तो चलो मैं लैपटॉप में माई पीसी पे क्लिक करता हूँ तो उसमें जो हमारा मोबाइल है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा जो मोबाइल है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आपके मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है और ओपन करके आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन होता है तो वही आपको ओपन करना है। लेकिन आपका एडिशनल सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो आपको जाना है बैक करने के बाद आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है। तो चलो मैं अबाउट फोन पे क्लिक करके यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करके बिल्ड नंबर पे 7 बार आपको टैप करना है। तो चलो मैं बिल्ड नंबर पे 7 बार को यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं इस तरफ पासवर्ड है वही मैं टाइप कर देता हूँ। तुम्हारा जो डेवलपर ऑप्शन है यहाँ मोबाइल में शो हो जाएगा। तो आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यूएसबी डबिंग है वही आपको ऑन करना है। तो चलो मैं यूएसबी डबिंग को ऑन कर देता हूँ और ऑन करके आपको ओके पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो अभी देख लीजिए कि अभी हमारा मोबाइल लैपटॉप में शो नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें आपको फाइल ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आपको फाइल ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट यूएसबी है तो उसमें भी आपको मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वही आपको सिलेक्ट करना है। तो दो सेटिंग करके आपको यूएसबी केबल है वही आपको लैपटॉप से हटा देना है, यानी कि मोबाइल में आपने कनेक्ट किया है वही आपको हटाना है और हटा के फिर से आपको केबल है वही आपको मोबाइल में लगाना है। तो चलो मैं मोबाइल में केबल को लगा देता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको ट्रांसफ़र फाइल पे क्लिक करना है, जो मोबाइल है वही हमारा सही से लैपटॉप में शो हो गया है। तो चलो मैंने ट्रांसफ़र फाइल पे क्लिक कर दिया। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा लैपटॉप में मोबाइल है यहाँ पे सही से शो हो गया है। तो चलो मैं इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ तो सही से हमारा जो मोबाइल में जितना डेटा है यहाँ पे शो हो रहा है। तो सही से जो हमारा मोबाइल है यहाँ लैपटॉप में यूएसबी केबल से शो हो रहा है, यानी कि कनेक्ट हो गया है। तो आपको किसी भी मोबाइल को लैपटॉप में यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं लेकिन आपका मोबाइल ओनली फॉर चार्जिंग हो रहा है, मोबाइल लैपटॉप में शो नहीं हो रहा है, तो इस तरह आपको आसान तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।